मसरक कांड में जहां मरने वालों की संख्या 40 से भी ज़्यादा बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कार्रवाई के नाम पर अभी मसरक के जो थानेदार हैं और चौकीदार, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। जबकि मढ़ौरा के डीएसपी के खिलाफ डीएम ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा है और साथ उनका तबादला करने को कहा है। देखिए, इस वक्त हम मसरक थाना में हैं, जहाँ पर यहाँ पर लोगों की भीड़ है। हालाँकि कार्रवाई के नाम पर जो एसएसपी, जो छपरा के एसपी हैं, उन्होंने बताया कि 4 जो शराब कारोबारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि 134 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल कार्रवाई इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन शराब जो कहां से आया था और मुख्य तस्कर कौन थे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी यहां पे नहीं मिल पाई है। मसरक थाना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि लगातार जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो शराब की जो खेप पहुँची थी और उसको पीने से लोग यहाँ पर बीमार हुए थे, और यही वजह है कि 48 घंटे बीत जाने के बावजूद अस्पतालों में मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। उनकी आँखों की रोशनी चली गई है और वो तमाम अलग अलग पंचायतों के लोग हैं, क्योंकि एक जगह से लोगों ने शराब कर दी, लेकिन अलग अलग पंचायत के लोग थे, अलग अलग गांव के लोग थे, इसलिए मरने वाले भी अलग अलग गांव के लोग हैं। कई जगह पे ऐसा है कि उन्होंने पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, मरने के बाद सीधे दाह संस्कार कर दिया है। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में एक बड़ी कार्रवाई यही हुई है कि मसरक के थानेदार और यहाँ के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है, और फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर जो जहरीली शराब है उसकी तलाश में जुटी हुई है। के साथ अमिताभ झा, मसरक न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।